तो नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने करियर गाइडेंस के तहत ये बताया कि किस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में रोज़गार के अवसर निर्मित हो रहे हैं और युवाओं को इस ओर आकर्षित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें कौन कौन सी योजनाएं संचालित कर रही हैं और कैसे युवक कृषि सेक्टर में, कृषि इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। इसी कड़ी कि दूसरे वीडियो में हम ये जानेंगे कि निजी क्षेत्र में किस तरह के अवसर इस सेक्टर में हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 44% जो रोज़गार के अवसर हैं वो निजी क्षेत्र प्रदान करता है। उद्योग और सेवा क्षेत्र जो देश में सकल घरेलू उत्पाद में 80% का योगदान करते हैं तथा लगभग 55% जो एम्प्लॉयबल लोग हैं उन्हें रोज़गार उपलब्ध करते हैं, इनमें कृषि क्षेत्र का योगदान 18% से अधिक है तथा एग्रीकल्चर सेक्टर के लगभग 56% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम पाते हैं। यदि हम ये देखें कि 2021 तक भारत के कृषि क्षेत्र में जो कर्मचारी होंगे उनकी संख्या लगभग 15 करोड़ से ऊपर हो जाएगी जो इस क्षेत्र में रोज़गार पा रहे हैं। हम ये भी देखें कि 2021-22 में जो NSSO ने नवीनतम सर्वेक्षण किया था उस रिपोर्ट के अनुसार कृषि में जो श्रम शक्ति की हिस्सेदारी है वो 45.5% है। 2020-21 में ये 46.5% थी जो कुछ कम हुई है, लेकिन मार्च में ये सबसे निचले स्तर पर थी। भारत में कृषि से उत्पन्न रोज़गार की बात करें तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार कृषि में लगभग 41.49% लोगों को रोज़गार मिला है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक निजी संगठन ने अनुमान लगाया है कि भारत में बेरोजगारी की दर वर्तमान में 7.45% है और इसमें शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो 7.93% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 7.44% है। तो यदि यहाँ हम ये देखें कि जो निजी क्षेत्र है वो किस तरह लोगों को एम्प्लॉय करता है जब वो रोज़गार करते हैं, तो इसमें दो तरह के लोग रोज़गार कर रहे हैं। एक जो स्वयं खेती कर रहे हैं, कृषि मजदूर हैं जो व्यावसायिक उद्योगों में लगे हुए हैं, और दूसरे जो कंपनियों में नौकरी करते हैं। तो अभी हम करियर गाइडेंस में ऐसे लोगों की बात करेंगे जो निजी क्षेत्र में रिक्रूट करते हैं और वो किन आधारों पर रिक्रूट करते हैं। तो सामान्यतः रोज़गार में जो कौशल क्षमता देखी जाती है उसमें जो मुख्य चीज़ों का होता है उसमें समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक निर्णय लेना, संगठन और समय प्रबंधन, जोखिम लेना, कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन, लिसनिंग, रिलेशनशिप, लीडरशिप, कोऑर्डिनेट करना, रचनात्मक, नवाचार और परिवर्तन, विजन, संकल्पना करने की क्षमता, आजीवन सीखना और प्रेरणा, व्यक्तित्व, शक्तियाँ। ये 16 एट्रीब्यूट हैं जिस पर सामान्यतः इंटरव्यू में ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ समस्या ये है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं उनको ये पता नहीं होता है कि इंटरव्यू के समय किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है और किस तरह उनको अपनी कौशल क्षमता बढ़ाना है। इसीलिए कई बार जो विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर लाते हैं पढ़ाई में उनका चयन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उस तरह के कौशल क्षमता को नहीं दिखा पाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति उनमें देख रहा है। तो इसमें एक जो अध्ययन हुआ उसमें यह देखा गया कि सामान्यतः जो छात्र हैं वो ये मानते हैं
कि आवश्यक वास्तविक योग्यता व्यक्त करने में असफल होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण जो है वो नहीं दिया जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं में उनको तकनीकी ज्ञान ही ज़्यादा दिया जाता है। तो एक अध्ययन में ये पाया गया कि जो छात्र हैं वो ये मानते हैं कि सुनने, आत्मप्रेरणा और पारस्परिक संबंधों की क्षमता छात्र मानते हैं रोजगार के लिए उपयोगी है, जबकि जो नियोक्ता हैं, जो इंटरव्यू करते हैं या जो रोजगार दे रहे हैं, वो ये मानते हैं कि रोजगार कौशल में समस्या समाधान और विश्लेषण, एनालिटिक्स, दृष्टि और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। और दृष्टिकोण का यही अंतर विद्यार्थियों में ये समस्या पैदा कर देता है कि उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो ई फसल द्वारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु शुरू किया जा रहा है, किया गया है, जहां वो ये देख रहे हैं कि जो नियोक्ता है, जो रोजगार देने वाले हैं, उन्हें किस तरह की कौशल क्षमता की ज़रूरत है और विद्यार्थी में क्या वो कौशल क्षमता है या नहीं। यदि उनमें वो कौशल क्षमता नहीं है तो कर्मा सेतु इंस्टीट्यूट में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेसमेंट दिया जाएगा। तो रोजगार कौशल की क्षमता बढ़ जाने से निश्चित ही न केवल उनकी प्लेसमेंट की संभावनाएं अधिक होंगी, बल्कि उनका जो पैकेज है वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप में से जो लोग अपने रोजगार कौशल की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें कर्मा सेतु प्लेटफार्म पर ई फसल के साथ संपर्क करके एडमिशन लेना चाहिए, ताकि उनको वो आवश्यक कौशल क्षमता वृद्धि का अवसर मिले। तो आइए आके अपनी कौशल क्षमता को बढ़ाएं और प्लेसमेंट पाएं। नमस्कार, धन्यवाद।